हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। DSSB की पोस्ट कोड 44/21 जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट की टाइपिंग कब होगी, साथ ही आपको टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका 3 से 4 महीने बाद, अभी आपको रिजल्ट आया सितंबर में, तो ये जो टाइपिंग है वो आपकी फरवरी में आपकी हेल्ड होगी और आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपको 15 दिन पहले जो है वो आप सभी को बता दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही टाइपिंग टेस्ट की डेट जो है वो आपकी दिसंबर या जनवरी में, क्योंकि जब भी टाइपिंग टेस्ट आप सभी की होती है उसके पहले आप सभी का एक नोटिस आता है कि इस डेट को आपकी टाइपिंग टेस्ट जो है वो आप सभी की लगी हुई है। जैसे जूनियर क्लर्क में आपने देखा था लगातार आप सभी की जो टाइपिंग थी वो आप सभी की लगी हुई थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं एक या दो दिन में करा ली जाए, तो वहां पे कैंडिडेट्स भी लगभग सेम ही थे, तो ऐसे में आपकी लगभग जनवरी लास्ट या फरवरी में आपकी जो टाइपिंग है वो आप सभी की स्टार्ट होगी। इवन फरवरी में ज्यादा चांसेस है, तो अभी आपके पास मिनिमम 3 से 4 महीने बचे हुए। इन 3 से 4 महीने में आप अच्छे से प्रिपरेशन करो टाइपिंग की, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फाइनली टाइपिंग में बाहर होते हैं। तो ध्यान से प्रैक्टिस करो। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो सरकारी नौकरी वाले बाबा, इंस्टाग्राम पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो।